like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch. लगता है गाइज आप लोग का स्वागत नहीं करने देंगे ये लोग, पता ना कितनी बातें करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अगले एपिसोड में रेड डेड रिडेम्पशन 2 के, और हम एक नई सिटी में आ गए। आप लोगों को पता है चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है और एक नई लोकेशन अनलॉक हुई है जिसका नाम है रोड्स। तो वो एक नई सिटी है, जैसे कि वैलेंटाइनस और स्ट्रॉबेरी थी वहाँ पे जब हम, हाँ पिछला कैंप था हमारा, और यहाँ पे जब हम नया कैंप आए हैं यहाँ पे एक जगह है रोड्स। और डच ने बोला कि कोई ट्रबल नहीं करना है हमें और लो प्रोफाइल रखना है, और हमें किसी तरह से अच्छे से मनी इकट्ठा करना है अच्छा खासा और यहाँ से निकल लेना है। ऑल राइट, तो लेट्स डू दिस। और बाकी के एपिसोड आप पिछले प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। दिस इज लॉट मोर। वेल लुक व्हाट द कैट ड्रग इन। I seem to... Well, well, look who it is. Quiet back there. Oh, my God. I can't sort this out. ये क्या कर रहा है? How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh. At your service. All right, ये तो शेरिफ है, गाइस। शेरिफ यानी कि ये पुलिस वाले हैं, एक तरह से समझ लो। इस गेम में शेरिफ का मतलब भाई समझ लो पुलिस वाले हैं ये, और मे बी ये रॉबरी, रॉबर चोर होंगे, थीफ्स हैं। Now tell me sir, what did the silly ये देख रहे हो पीछे से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो। He was accused of running a gold mine and investment scam. ये देखो गाइस, और ये लोग करने दे रहे हैं। I don't know ये, but he is not a bad fellow. Now can we Oh my god. Look at this. ये तो सारे के सारे भाग गए थे। Oh shit. Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Okay. पता नहीं यार हमने ऐसा क्यों किया, उन्हें पहले तो भागने दिया और अब कह रहे हैं, डच ने कहा कि जल्दी से। या ऑफ कोर्स तो we need them Anderson boys alive. ओ तो ये कोई एंडरसन बॉयज है, पता नहीं क्यों भागने दिया, फिर हमें इन्हें पकड़ना है। तो ऑल राइट लेट्स डू दिस बॉयज, और हमें इन्हें गन नहीं मार सकते, गोली नहीं मार सकते, जिंदा पकड़ना है। अबे चला रहा, ओ डच ने भी झूठ बोला नाम अपना, और इसने भी झूठ बोला। Come on. The hell are you going? Hey, stop that! Idiot! Now get after the others. Come on. Oh. एक गिर गया और मर गया। टोटल आई थिंक 3 या 4, मैं भी 3 थे या मैं भी 4 थे। एक तो मर गया और एक जिंदा है, 2 और 3 और हैं मैं भी। Stick to the side of the train. Get alongside that flat carriage. Come on, Nobu. What? मैं करूं? Because you ride like my grandmother. All right, no problem. You cop bastards! I didn't do nothing. बहुत बढ़िया, एक तो और हाथ में आ गया, एक और दो और भाग रहे हैं। चलो 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 उनको भी पकड़ते हैं आर्थर जल्दी। Where you gonna run to?
अरे मारूंगा नहीं, आ जाओ आ जाओ। ऑल राइट, तो फाइट करने का मन है। पर फाइट को भी कितनी रियल बनाई गई है। ओके यार मेरी टोपी भी गिर गई, कोई बात नहीं उसे हम रिट्रीव कर लेंगे। यार चल भाई, एक बंदा और, एक को मार दिया हमने। ये लो, फक यू मैन। ये तो वो है ना बुचर। चलो आ जाओ, किसी बात पे हो जाए। अरे यार इधर आ जा, इधर आ जा। ओहो बहुत बढ़िया यार, फाइट को कितनी रियल बनाई है इन लोगों ने। हो अनबिलीवेबल। ऑलराइट, तो मे बी जहाँ तक मुझे लगता है इन शेरिफ यानी कि इन पुलिस वालों का मे बी इस नए जगह पे हमें लो प्रोफाइल मेंटेन करना है डच के हिसाब से। तो मे बी हो सकता है, नहीं भी है कि ट्रस्ट गेन करने के लिए इन लोगों का हमें यानी कि इन पुलिस वालों के साथ कि हमारा मतलब ट्रस्ट गेन हो जाए, ताकि हमें मतलब कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम वॉब्लम ना खड़ा हो और इनके सामने मतलब हम अच्छे बंदे बने रहे, क्योंकि इन्हें नहीं पता हमारा ना पास्ट क्या है और हम क्या आदमी है। तो ये बढ़िया है कि अगर ट्रस्ट गेन हो जाए सिटी में नए आते हैं तो ये दिस इज अनबिलीवेबल। ऑलराइट, तो ये अच्छा चाल चला डच ने। चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये वो जगह है गाइस रोड्स की बातें हो रही थी। ओहो क्या लग रही है यार, ये तो वैलेंटाइन और स्ट्रॉबेरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी यहाँ तक मुझे यहाँ तक लगता है जिस हिसाब से सिटी उस हिसाब से काफ़ी रिच पीपल होंगे यहाँ पे। Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Chop, chop, don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Just bring him here. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. No more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Oh, these better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? Can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? ये वही बंदा है गाइस, ट्रोले जो नाम इसका बोल लो। इसने ने हमें मदद किया था शॉन को बचाने में, जो शॉन हमारा बंदा था।
बढ़िया यार, हमने कुछ अच्छा बताया कि सिटी में आते आते और पुलिस का ट्रस्ट गेन कर रहा है, दिस इज ऑसम। तो डच ने बंदे तो, बंदे के पास दिमाग तो है, डच के पास। I have missed you boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some say. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. All right. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea. You see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Okay, yaar. Nahi, fishing karne ka mera koi mood nahi hai filhal. I'll need to relax someplace. Fair enough. Thank you. Like it's you and me, old man. All right. तो जैसा कि डच ने गाइस बताया, थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ गाइस मैं, उसके बाद फिर अगले मिशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि फिशिंग मैंने ऑफ द कैमरा काफ़ी की है, काफ़ी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, काफ़ी किया, तो इस वजह से अभी मूड नहीं है मेरा। तो जैसा कि बताया डच ने कि कोई ग्रे फैमिली है यहाँ पे रोड्स में, जो कि काफ़ी अमीर है, जिसके बारे में शेरिफ भी बात कर रहा था। तो उनमें मतलब मे भी उनके पास काफ़ी सारा मतलब धन है, मतलब जैसा कि रिच फैमिली है यहाँ की रोड्स की, तो हमें अपना नाक घुस लेना है उनके अंदर, यानी कि उनकी बातें को जानना है और किसी या किसी तरह से कुछ ऐसा करना है कि हमारा फ़ायदा हो। ऑल राइट, तो दैट्स इट। और थोड़ा सा यहाँ पे घूमते फिरते हैं। ये क्या यार, ओ ये तो हॉर्स की शिट है ना, टट्टी है हॉर्स का, मुझे लगा क्या ये। ऑल राइट, तो ज़रा यहाँ से यहाँ घूमते हैं एंड देन फिर चलते हैं, क्योंकि अगला मिशन, सॉरी मिशन देख लेते हैं कि कितने टोटल मिशन है, ये कौन सा मिशन है। ओके, ये ग्रेज फैमिली के बारे में। अच्छा, ये ग्रेज फैमिली के घर है गाइस। डॉग टच आस्क्स यू टू स्निफ अराउंड अ कैलिगा हाफ हॉल टू सी व्हाट यू फाइंड आउट अबाउट ग्रेज। ओके, तो मतलब ऑफ कोर्स यार हम उनके मतलब एरिया में घुसेंगे, उनको अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, देन तब जाके ना कुछ हमें पता चलेगा उनके बारे में। तो मेरा घोड़ा कहाँ है? कहाँ है आजा? Bloodbath and Valentine. Read all about it. ये कितना प्यारा घोड़ा है। You okay, boy? अरे यार मेरा घोड़ा कहाँ है? ये रहा मेरा घोड़ा। तो ओके गाइस, तो अगले मिशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मे भी अगला मिशन हमारा कैंप में ही है, ऑफ कोर्स मिस्टर पियर्सन का है। तो चलेंगे सीधा, मैं डायरेक्ट आप लोगों से वहीं मिलता हूँ, ठीक है? तो अगले मिशन करेंगे, देन फिर एपिसोड को एंड करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस बॉय। ओके, तो हम जैसा मैंने कहा था कि हम अब एक और मिशन करेंगे, देन इस वीडियो को एंड करेंगे, एटलीस्ट दो मिशन को लेके चलेंगे। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मिस्टर पियर्सन से मिलने। और ओके, तो ये पेट्रोल पे यानी कि गार्डिंग कर रहा है कैंप का। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, मैंने अपनी, एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो मेरी ड्रेस मैं बदल लिया हूँ, यहाँ के लिए फैमिलियर हो गया। एक मिनट एक मिनट। ऑल राइट, तो देख रहे हो कितना खतरनाक ड्रेस मैंने थोड़ी अच्छी ड्रेस है, तो मैंने अभी तुरंत बाय की थोड़ी देर पहले, आई थिंक $80 की थी। तो पैंट वगैरह आप देखो सारे के सारे बदल गए हैं, नाइस ना।
अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और अच्छे से रुक जाओ आप लोग, उसके बाद मिशन स्टार्ट करते हैं। क्या मसला है, पियर्सन ने आखिर हमें क्यों बुलाया है? अरे रुक जाओ यार, थोड़ा तेज चले। ऑल राइट, तो ये आ गया मेरा कैंप। ये देखो आप लोग, नाइस लुक ना, खतरनाक आउटफिट। आउटफिट बहुत है मेरे पास, ये देखो, ये है कि ये है, ये है, ये है। लेकिन अभी यहाँ के हिसाब से ये सब विंटर के हिसाब से है गाइस। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर मैं दिखाता हूँ। ओके, ये तो बाउंटी है 140, वो तो नॉर्मल है, कोई ताजुब की बात नहीं। ये देखो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जहाँ पे हम थे वहाँ से थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े बाई किया, सोचा कि चलो बाई कर दें। तो दिस इज़ लुकिंग सो नाइस। हैट बदल ले क्या? नहीं ठीक है चलो, वैसे थोड़ा अलग लग रहा है आर्थर मोर्गन हैट में, चलो इस वाले हैट में फिलहाल, चलो छोड़ नहीं गई, रखते हैं फिलहाल। तो और मिलते हैं मिस्टर पियर्सन से। ये रहा, क्या मसला है भाई, आखिर क्या प्रॉब्लम है? ये रहा, ये सैडी एडलर है, आप लोगों को याद होगा, ये वही लेडी थी इसको मैंने बचाया था इसके मतलब। ओह माय गॉड, ये एक दूसरे से लड़ना है, देखते हैं क्या मसला है। I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. Okay. You keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Okay. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. ओहो, दिस इज नाइस एटीट्यूड। तो मोहतरमा का कहना है कि मैं यार खाना वाना नहीं बनाऊंगी, मेरा वो काम नहीं है, मुझे हाथ में गन दो और दुश्मन की खोपड़ी दो। तो ऑल राइट, तो जरा मैं मोहतरमा को घुमा कर लाते हैं, इनका माइंड फ्रेश करते हैं। ऑल राइट चलिए, तो हमें कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है एंड मिस्टर पियर्सन का कुछ मेल वगैरह पोस्ट करना है, तो चलिए नॉर्मल सा मिशन है, इसे कंप्लीट करते हैं और मिसेज एडलर को जरा शांत करते हैं, एक नाइस ट्रिप पे ले जाके। चलिए ये घोड़ा हमारा यहीं रहेगा, लेकिन एक सेकंड, मैं जरा अपने घोड़े पे, ओ गन्स नहीं ले सकता मैं, चलो जो है सो है, कोई बात नहीं, ये गन भी बहुत बढ़िया है। ऑलराइट लेट्स डू इट, चलो ड्राइव टू स्टोर। ओके Alright, let's do this, boys. And I sure as hell ain't taking orders from that sweat half-wit. I guess we all got... Alright, तो हम पहुंच गए, बहुत नजदीक है यार, ये अच्छी बात है। Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. He heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. You got work to do. ऑल राइट यार, ये मैंने कहाँ अटका दिए अपने, निकालना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरह। शिट मैन, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम पहुंच गए, बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। ऑलराइट देन, रोड्स, रात हो गई आते आते, दूर नहीं है मतलब, मैंने थोड़ा लेट मिशन शुरू किया, सॉरी।
एडिट कर दिया बीच में गाइस, मैं कुछ और करने लगा था तो इस वजह से रात हो गई। आप लोगों को लगा कि ये यहाँ से यहाँ आने में रात कैसे हो गई। तो मैडम को यहाँ देते हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए, जाइए ग्रोसरी खरीदिए, तब तक मैं आता हूँ मेल सेंड करके। अरे उतरोगी मैडम? अच्छा ड्राइव टू द स्टोर एकदम, मतलब हाँ ऑल राइट, तो चलते हैं, इनको शॉपिंग लिस्ट दे दिया हमने। ओके एक मिनट, मैं जरा इस गन स्मिथ के पास देख लूँ, देन फिर मैं मेल जाता हूँ पोस्ट करने, क्योंकि मैं जब थोड़ी देर पहले जब ये बाय करने आया था, जब मैं गाइस ये क्या कहते हैं इसे अपने ड्रेस को, तो यहाँ पे ये बंद था गन स्मिथ का दुकान, तो जरा अभी देख लेता हूँ इसके पास क्या है। ऐसा पहले कैटलॉग देखते हैं एंड देन फिर ओके पिस्टल राइफल्स में दिखाओ भाई तुम्हारे पास कौन से बेहतरीन स्नाइपर राइफल है, क्योंकि आई लव स्नाइपर राइफल। ओहो हो, बारिश बहुत तेज होने लगी गाइस, तो 190 का एक है। ओके एंड लैंसेस्टर क्लासिक जो हमने आई थिंक पहले ही रखा है। ओके गन्स हमारे पास अच्छे है, क्योंकि क्योंकि कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है हमारे पास, इतने सारे गन्स हैं अवेलेबल हैं हमारे पास ऑलरेडी। एक सेकेंड मैं जरा होल्ड ऑन, मैं जरा कस्टमाइज करना चाहता हूँ, देखता हूँ हाँ इसके बारे में कुछ है। नहीं नहीं ऑफ कोर्स मेरे पास सबसे बेहतरीन स्कोप्स है। ओके अपग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ओके इनके पास है, दिस इज नाइस, आई बाय ऑफ कोर्स। चलो नहीं चलो ठीक है, दो गन में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, एक वो स्नाइपर राइफल लेने की है। चलो 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 स्टाइल्स में तो चलो गाइस ठीक है, इनके पास भी कुछ खास गन नहीं है और मुझे उतनी दिक्कत हो नहीं रही है अभी। ऑल राइट तो हमें कुछ अभी दिक्कत हो नहीं रही है, काफ़ी अच्छी गन्स है हमारे पास। तो चलिए फिलहाल जल्दी से मेल पोस्ट करते हैं। होल्ड ऑन यार कहाँ पे है ये पोस्ट ऑफिस, ये रहा। चलो वो रहा। ओके उन्हें ग्रोसरी खरीदने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक हम यहाँ पे बाय कर लें। काफ़ी सुंदर है यार ये, लग भी नहीं रहा कि ये मतलब एक तरह का अलग है, मतलब ये काफ़ी विकसित है, मतलब स्ट्रॉबेरी और वैलेंटाइन से यहाँ पे स्टेशन भी है, सब कुछ है मतलब। इज अ पोस्ट ऑफिस, जाने का रास्ता कहाँ से भाई? रॉब नहीं करना भाई, मरना है क्या मेरे को? यहाँ पे सेंड मेल, पहले बाउंटी देखते हैं, बाउंटी कितने हमारे पे? ओहो $300, $60, $140। चलो $60 वाला कर देते हैं यार, मैं न्यू हैम्बर में जाऊंगा तो नहीं कभी, करने का मतलब क्या है? एक सेकंड जरा रुको, न्यू हैम्बर
पर मैं उधर जाऊंगा नहीं यार, कोई मतलब नहीं बनता है। आप कोई दिक्कत नहीं है, बाउंटी हंटिंग कौन करेगा हमारे यार, हम लोगों का हंटिंग करते हैं। तो ये मेल सेंड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो कोई मतलब नहीं बनता यार, कौन आएगा हमारा हंट करने, हम उसी का हंट कर लेंगे। चलते हैं अपने वैगन के पास और कोई मसला ना खड़ा कर दिया हो मैडम ने, क्योंकि जिस हिसाब से वो जितना गुस्से में है वो कुछ उल्टे सीधे ना कर दें। ऑल राइट, तो यहाँ पे बैंक भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इन रोड्स। और बहुत जल्दी हम वो ग्रे फैमिली जिसकी बातें हो रही थी वहाँ भी जाएंगे। ओके तो चलते हैं। मिसेज एडलर, ओ तो यू बाय सम न्यू ड्रेस, वो वो वो, चलिए तब फिलहाल चलते हैं, आइए मिसेज एडलर, लेट्स गो। काफी सारे सामान इकट्ठा हुए गाइस। ओके सो यू गेट एवरीथिंग, आई थिंक सो, एंड सम न्यू क्लोथ्स। ओके तो मैडम चला रही है, मैं नहीं चला रहा, तो बढ़िया है, मैं सिनेमेटिक को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। सॉरी अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, तो वो मेरी आवाज नहीं, वो बारिश हो रही है, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो। You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you, you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook, please. Oh my God. Hey there. लगता है कोई प्रॉब्लम आ गया। What, लगता है सही कुछ है। Okay, तो दो दो लोग हैं। अरे मत, ओह यू डोंट थिंक सो, हाउ अबाउट यू पुल ओवर राइट नाउ, पुल ओवर, दैट्स व्हाट आई सेड, हे हाउज अबाउट दिस। ओह हो माय गॉड, ए लेडी, ऐसे उस बंदे ने गन निकाल लिया था जहां तक मुझे लगता है। ओके तो इन लोगों ने पूरा ट्रैप बिछा रखा था। कहाँ पे है और? I think so. बढ़िया हुआ मैंने एमोनिशन अपने। ओके तो इनको लूट नहीं सकते, चलो कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके ओके डेड आई भी खत्म हो गई हमारी, वो कोई बात नहीं, वो तो हमें लूटने। ओके तो मुझे चलानी है। Don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Careful. Foggy, foggy हो गया गाइस अचानक से। Yeah, something like
यार मतलब एडलर जो है ना ये वो अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये कभी ऐसी गैंग में रही नहीं है ना, तो किस तरीके से परिस्थितियाँ होती हैं, किस तरीके से लोग होते हैं, तो इसे भी टाइम लगेगा सीखने में चीज़ों को। चलो कम से कम इनका माथा तो शांत हुआ मैडम का, क्योंकि काफ़ी गुस्से में थी, और ऑफ कोर्स यार इतने टाइम से कैंप में थी तो थोड़ा घूमी वगैरह, गन्स यूज़ की, देन फिर मैडम थोड़ा शांत हो गई। Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe, if you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. All right then, my guys. तो देखो यहाँ पे जैसे कि कौन ये सो रहा है वैसे? Oh, Abigail and ये Jack है. कितना प्यारा वाला लड़का है. Hey Jack. Oh, Silver. This is nice यार. पहली बार मिला Silver. Complete with at least 85% accuracy. नहीं हो पाया था. चलो कोई बात नहीं. All righty then. तो चलो गाइस, तो अगले एपिसोड में ये कौन है भाई साहब? ये तो हमेशा साला पीते रहता है दारूबाज कहीं का. इस कैंप में सबसे ज्यादा अगर कोई पीता है तो ये रिवर एंड है. चलो गाइस, तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. यहाँ पे सुबह ही है और अब हम चलते हैं. कितना वैसे टेम्परेचर दिखा रहा है? कम ऑन शो मी 21 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके गाइस, तो चलते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जल्द.